यहाँ से आपको एक प्रोजेक्ट कंप्लीट करने का $5 से लेके $30 तक का पेमेंट मिलता है, मतलब कि ₹400 से लेके ₹2,500 तक मिलेंगे एक टेस्ट कंप्लीट करने का। आज बात करेंगे एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जहाँ से कि आपको वेबसाइट्स की टेस्टिंग करनी है, एप्लीकेशंस की टेस्टिंग करनी है और टेस्टिंग करने के आपको पैसे मिलेंगे। बहुत सारे स्टार्टअप्स एंड बिजनेस ऐसे होते हैं जो अपनी न्यू वेबसाइट लॉन्च करते हैं और उन्हें चेक करना होता है कि वो वेबसाइट जो यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, उसका कलर कॉम्बिनेशन कैसा है, उसके फीचर्स सही से वर्क कर रहे हैं फिर नहीं कर रहे हैं, इसका UI डिजाइन कैसा है। ये हर एक चीज को चेक करने के लिए वो कुछ लोगों को हायर करते हैं और उसके बदले में वेबसाइट टेस्टिंग कराते हैं या फिर इसी तरह से एप्लीकेशंस वगैरह की टेस्टिंग कराते हैं और उसके बदले में जो लोग उनके लिए काम करते हैं उन्हें वो पैसे देते हैं। ये सारा कब होगा, ऑनलाइन घर बैठे करना है, आपको लैपटॉप के थ्रू बताऊंगा उस वेबसाइट के बारे में, कैसे रजिस्टर करना है, कैसे काम करना है। स्किल्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, हालांकि आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपको अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, आपको अच्छे से बोलना आना चाहिए, तो बस इतनी सी रिक्वायरमेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, कुछ भी कर रहे हैं, आप यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम चलते हैं वेबसाइट के ऊपर। वेबसाइट का नाम है trymeta.com। trymeta.com एक बहुत ही ट्रस्टेड वेबसाइट है और इसके साथ Amazon, MDC, Bose, नेशनल ज्योग्राफिक, बिग कॉमर्स जैसी बड़ी बड़ी ब्रांड्स वगैरह काम कर रही हैं ऑलरेडी, क्योंकि वो अपनी वेबसाइट्स एंड एप्लीकेशन की टेस्टिंग करवाती हैं यूजर्स से और उसके बदले में उन्हें पेमेंट देती है। तो इसी तरीके से आपको भी यहाँ पे आना और काम करना है। ये इसका होम पेज है जहाँ पे क्लाइंट वगैरह आते हैं, ये हमारे लिए नहीं है, लेकिन इस वेबसाइट की जानकारी होना आपको जरूरी है कि वेबसाइट काम कैसे करती है और आपको पेमेंट कैसे देगी। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वेबसाइट एंड ऐप यूजर एक्सपीरियंस टेस्टिंग, वेब एंड ऐप यूजर इंटरफेस UI टेस्टिंग, यूनिफाइड यूजर टेस्टिंग। तो इसी तरीके से अलग अलग चीजें हैं, बहुत सारी अलग अलग वैरायटी है, आपको इन सभी के बारे में टेस्टिंग करनी है। तो इस वेबसाइट के बारे में या फिर इस कंपनी के बारे में आपको अगर काम करना है तो पहले इस वेबसाइट के बारे में जानना जरूरी है, लेकिन अगर आप काम करने में इंटरेस्टेड हो तो इस वेबसाइट को विजिट करो, इसके बारे में थोड़ा जानो और रिसर्च करो, फिर यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन इस पे काम कैसे करना है उसका ट्यूटोरियल मैं आपको देने वाला हूँ। तो ये तो है उसकी मेन वेबसाइट जो कि क्लाइंट के लिए बनी है। अब जाते हैं हमें काम करना है, तो काम करने के लिए आपको आना है वेबसाइट के लास्ट वाले पेज के ऊपर। लास्ट में आने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गेट पेड टू टेस्ट, बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे आना है और इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे आपका ये पेज ओपन हो जाएगा। ये जो पेज है वो है सारे टेस्टर के लिए, मतलब कि आपको टेस्टिंग करनी है और टेस्टिंग के मतलब आपको पैसा मिलेगा। यहाँ पे आपको आपका फुल नेम डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे पेपल ईमेल डालना है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है, लेकिन जो आपको पेआउट है वो पेपल के थ्रू मिलेगा। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको वही ईमेल आईडी डालो जहाँ पे कि आपका पेपल अकाउंट क्रिएटेड है, तो पैसा डायरेक्टली आपके पेपल अकाउंट में आएगा। अगर आपके पास पेपल अकाउंट नहीं है तो आप पहले बता लेना, बहुत इजी काम है, सिर्फ 3 स्टेप में बन जाता है। जैसे कि आप पेटीएम, गूगल पे पे अकाउंट क्रिएट करते हो, वैसे ही आपको पेपल के ऊपर अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपको नहीं आता तो इसके वीडियो यूट्यूब के ऊपर काफी सारे भर भर के पड़े हुए हैं, आप जाके देख सकते हो। ऑक्साइड न्यूज ईमेल आईडी डाल देते हैं, यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे आई एग्री क्रिएट अकाउंट, उसके बाद आपको ये फॉर्म सबमिट करना होगा। तो इस डेटा हम सबमिट करते हैं, इनकम लेवल लोअर पे करते हैं, एजुकेशन ग्रेजुएट करते हैं, एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयड लिखते हैं, टाइप में आएगा हमारा सेल्फ एम्प्लॉयड, फैमिली स्टेटस आएगा हमारा सिंगल, चिल्ड्रन विदाउट चिल्ड्रन, कम्युनिटी रूरल, सोशल नेटवर्क यूजर्स, जिप कोड ऐड करेंगे यहाँ पे, डिवाइस आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जैसे कि हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, एंड्रॉयड फोन, एंड्रॉयड टैबलेट, ये 3 चीज मेरे पास है, मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करेंगे कंटिन्यू के ऊपर। आपको वेरिफिकेशन मिला है उसे आपको कंफर्म करना है, वेरीफाई नाउ, सब कुछ होने के बाद आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे ओपन हो चुकी है। आपको पासवर्ड चेंज करना है तो यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हो। आपको बायो ऐड करनी है, आपको आपके बारे में लिखना है कि आप क्या करते हो, आप किस चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप कहाँ से हो, वो सारी डिटेल, मतलब कि एक शॉर्ट बायो लिखना है आपके बारे में जो कि एक प्रोफेशनल बायो होगा, फालतू की चीज़ ऐड नहीं करनी है। आपकी जॉब से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड आपको यहाँ पे बायो ऐड करना है। तो जाएंगे एडिट के ऊपर और यहाँ पे आपको एक बायो लिख देना है। कुछ बायो आपको लिखने के बाद यहाँ पे सेव चेंजेस के ऊपर आप क्लिक करना है। इसके साथ और भी डिटेल जो आपने पे भर के रखी हुई है, अगर उसको एडिट करना है तो यहाँ से एडिट कर सकते हो, कुछ भी चेंजेस करना है तो आप कर सकते हो। सब कुछ होने के बाद आपको जाना है माइंड टेस्ट के ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर आना है और टाइम जोन जो लिखा हुआ है उसे आपको एडिट करना है। आपको न्यू दिल्ली सेलेक्ट करना है और सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक करना है। ये हो जाने के बाद आपको माय टेस्ट के ऊपर क्लिक करना है। जिसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट देखने को मिलने वाला है जो 21 पेजेस का है। अगर आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, जिसकी भी इच्छा है पढ़ने की आप पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई डिटेल चाहिए तो आप डिटेल यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद आई एग्री पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे चल जाना है। गाइडलाइंस फॉर टेस्टिंग, यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस वगैरह देके रखी हैं, आप इसे जरूर पढ़ें। ये आपकी टेस्टिंग के लिए है कि आपको टेस्टिंग कैसे करनी है, क्या चीज़ों का ध्यान में रखना है, कब आपकी टेस्टिंग अप्रूव होगी, आपको कैसे टेस्टिंग मिलेगी, आपको कैसे अप्लाई करना है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे स्क्रीन देखने को मिलने वाली है। पुट योरसेल्फ इन द राइट फ्रेम ऑफ माइंड, यहाँ पे क्लिक करेंगे आई अंडरस्टैंड के ऊपर, परफॉर्म ऑल द टास्क इन ऑर्डर, आई अंडरस्टैंड और नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद और भी गाइडलाइंस आपको पे देके रखी हुई है, इन सभी को आपको पढ़ना है, समझना है,
इसीलिए है कि आप यहाँ पर जो काम करोगे उसके बारे में आपको सही जानकारी होनी चाहिए। ये सब कुछ हो जाने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश के ऊपर। यहाँ पे एक मैसेज आया है, थैंक यू फॉर साइनिंग अप विद ट्राई मेटा, करंटली वी डो नॉट हैव एनी कस्टमर विद टेस्टिंग नीड्स इन योर रीजन। मतलब कि हमारे एरिया में अभी कोई टेस्टिंग नहीं है। ये आपको इसलिए शो होता है क्योंकि आपका अकाउंट अभी नया है, ठीक है। आफ्टर टू डेज मतलब कि 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के बाद यहाँ पे आपको टास्क वगैरह दिखने शुरू हो जाएंगे। मतलब कि कोई इंडियन कंपनी है, इंडियन स्टार्टअप है, उसको कुछ टास्क वगैरह होंगे, उन्हें वेबसाइट टेस्टिंग करवानी है या फिर ऐप टेस्टिंग करवानी है या फिर उनका यूआई यूएक्स टेस्टिंग करवाना है, कुछ भी टेस्टिंग करवानी है, तो वो टास्क यहाँ पे शो होंगे। आपको वो जाना है और अप्लाई के ऊपर क्लिक करके वहाँ पे काम करना शुरू करना है। अब जैसे ही अप्लाई करोगे आपको वहाँ पे एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा। वो फॉर्म सबमिट करने के बाद फॉर्म जाएगा कंपनी के पास, कंपनी से चेक करेगी, उसको वेरीफाई करने के बाद आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसी आप यहाँ पे काम पूरा करते हो 3 बिजनेस डेज के अंदर जो पेमेंट है वो आपके पेपल अकाउंट के अंदर आ जाता है। पेमेंट जो है वो आपको मंडे टू फ्राइडे के टाइम के अंदर मिलता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सैटरडे संडे को पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, मंडे टू फ्राइडे के बीच में आपको पेमेंट मिलेगा 3 दिन के अंदर जैसे आप टास्क कंप्लीट करते हो। पेमेंट लेने के लिए अगेन बोल रहा हूँ, आपको पेपल अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। विदाउट पेपल अकाउंट आपका यहाँ पे अकाउंट अप्रूव भी नहीं होगा और ना ही आपको यहाँ पे पेमेंट आपके अकाउंट में मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस वेबसाइट में इंटरेस्टेड नहीं हो और आप अगर 12th पास हो और आपको ऑनलाइन घर बैठे ट्यूशन देकर अर्निंग करनी है, तो उसके लिए ये वीडियो बनाया है। आप जाके इस वीडियो पर देख सकते हो, या फिर आप यूट्यूब के वीडियो को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड करके वहाँ से यूट्यूब जितनी ही अर्निंग करना चाहते हो तो वो वीडियो यहाँ पे बना हुआ है, आप जाके इस वीडियो को देख सकते हो। ऐसे ही ऑनलाइन और ऑनलाइन बिजनेस के बारे में सीखने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इन तक अगले वीडियो में थैंक यू सो मच एंड बाय।